हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे जो वर्ड है डाई, डाई मीन्स टू। ओके, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहां पे एक ट्रेट यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी किए थे। अब आज इस वीडियो में यानी कि इस टॉपिक में डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो ट्रेट की एक साथ स्टडी करने वाले हैं, इसलिए इसको बोला गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो दो पेरेंटल प्लांट ले रहे हैं और इसमें इन दोनों प्लांट की दो अलग अलग ट्रेट्स, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, दो अलग अलग लक्षणों को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए, तो सबसे पहला जो प्लांट ले रहे हैं वो ले रहे हैं टॉल और दूसरा ले रहे हैं ड्वार्फ। तो जो टॉल वाले को लिखने का तरीका होता है, जो प्योर टॉल होता है उसको लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एंड जो ड्वार्फ है यानी कि जिसकी हाइट कम है, बौना है, और जो प्योर बौना है उसके लिए जो उसके बेसिकली लिखने का तरीका होता है वो होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हो गया पहला ट्रेट। दूसरा ट्रेट क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला जो प्लांट है इसके जो सीड है या फ्रूट है, जो सीड है बेसिकली वो कैसे है शेप में, राउंड शेप है, और प्योर राउंड होने के लिए कैपिटल आर ले लेंगे। ओके, वहीं पे अगर हम दूसरे वाले प्लांट जो कि ड्वार्फ प्लांट है उसके अगर हम सीड की बात करते हैं तो मान लेते हैं वो राउंड शेप में नहीं है, रिंकल शेप है, तो रिंकल शेप को हम लिखते हैं स्मॉल आर, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला पेरेंटल प्लांट है जो कि टॉल प्लांट है, इसका ये एक जीन, टॉल में से देखिए दो कैपिटल टी है तो इससे एक टी आगे बढ़ेगा, और जो राउंड शेप के लिए दो कैपिटल आर है इसमें से एक आगे बढ़ता है तो टी आर हो जाता है। दूसरे से क्या पढ़ रहा है, स्मॉल टी और स्मॉल आर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इन दोनों की पहली जनरेशन की। तो पहली जनरेशन में क्या क्या हो सकता है, देखिए टोटल जो यहाँ पे हमको एट ऑफस्प्रिंग्स मिल सकते हैं अलग अलग वेरिएशन के, हालांकि वो आठों के आठों जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो सेम टाइप के होंगे, एंड हर एक में आपको क्या मिलने वाला है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा क्यों मैं बताता हूं, देखिए पहली जनरेशन में जो ये हमारे पास टॉल प्लांट था कैपिटल टी तो इसमें से एक ही जीन आगे पास होगा, मान लेते कैपिटल टी गया एंड कैपिटल आर और कैपिटल आर में से एक ही जीन जाएगा तो कैपिटल आर आगे बढ़ गया। ओके, अब क्या होगा यहां पे देखिए, इस वाले जो ड्वार्फ प्लांट था जो रिंकल प्लांट है उसमें से एक जीन यानी कि स्मॉल टी और एक जीन यानी कि यहां से स्मॉल आर जो है वो पहली जनरेशन के लिए पास होगा। ओके, तो पहली जनरेशन में जो हमको ऑफस्प्रिंग मिलने वाले हैं वो किस तरीके से कितने वेरिएशन के हो सकते हैं, तो हमको आठ ऑफस्प्रिंग मिल सकते हैं और आठों के पास जो जीन्स होंगे वो सेम होंगे। क्यों होंगे, देखिए यहां से कैपिटल टी गया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से कैपिटल आर गया, यहां से स्मॉल आर आया, पहला केस। ठीक है, अब देखिए पहले वाले को फिक्स रखिए, तो यहां से कैपिटल टी और कैपिटल आर यही वाला गया, यहां से स्मॉल टी आएगा, दूसरा वाला स्मॉल आर आएगा, तो आखिर तो वही हुआ ना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो आपको आठों के आठों ऑफस्प्रिंग कैसे मिलने वाले हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि ये टॉल होंगे और राउंड शेप के इसके सीड होंगे, इतना क्लियर है। तो ये हो गया क्रॉसिंग यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाली वीडियो में कि यहां पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग टाइप के प्लांट है तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉसिंग बोलते हैं। तो अब देखिए पहली जनरेशन हमको मिल चुकी है एंड सभी के सभी ऑफस्प्रिंग सेम टाइप के हैं जो कि टॉल है एंड राउंड शेप के हैं। अब क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। जब सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे तो इसको समझने के लिए हम यहां पे एक स्क्वायर टेबल लेंगे, प्यूनेट स्क्वायर टेबल। ओके, तो इस स्क्वायर टेबल में देखिए पहला प्लांट कैसे कैसे दो जीन्स के साथ आ सकता है, वो हो सकता है कैपिटल टी कैपिटल आर हो यानी कि टॉल भी हो और राउंड शेप उनका सीड हो, दूसरा हो सकता है वो ड्वार्फ हो छोटे हो यानी कि स्मॉल टी हो और राउंड शेप हो, या फिर हो सकता है कि प्लांट टॉल हो लेकिन रिंकल्ड हो, या फिर प्लांट स्मॉल हो स्मॉल टी हो और रिंकल हो यानी कि स्मॉल आर हो, ये चीजें पॉसिबल है। दूसरे प्लांट में भी यही होगा क्योंकि यहां पे हम सेल्फ क्रॉसिंग कर रहे हैं या आप इसको बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा, पहला वाला हमको मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल आर क्योंकि यहां से हमने ये रो से उठाए और ये कॉलम से उठाए। ओके, सेकेंड देखते हैं, देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर देखते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इस टाइप से पूरी टेबल को भरते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर।
सेकेंड रो देखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर, ओके। फिर क्या है थर्ड रो में, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर होगा कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा, लास्ट फोर्थ रो में देखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इस तरीके से हम प्यूनेट स्क्वायर टेबल को फिल कर सकते हैं। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे टॉल और राउंड शेप के कितने प्लांट मिलते हैं, ओके तो अब हम बात करते हैं अगर इसके फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, सबसे पहली बात टॉल और राउंड शेप वाले कितने हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे 9। देखिए काउंट कीजिए, ये टॉल ये भी टॉल, इस टाइप से ये काउंट करते आते हैं, तो 9 जो है वो टॉल होंगे एंड राउंड शेप के होंगे। फिर जो टॉल भी हो लेकिन रिंकल हो, ओके ऐसे कितने हैं यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, तो टॉल एंड रिंकल जो है वो आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, ओके ये देखिए 1, 2 और ये 3। अब देखिए टॉल के साथ राउंड भी और रिंकल दोनों कवर हो गए। अब बात करते हैं कि ड्वार्फ के साथ राउंड शेप वाले कितने हैं, तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं तो 3 है, एंड जो ड्वार्फ भी हो और साथ में रिंकल वाले उनके पास सीड हो ऐसे कितने हैं, 1। तो इनका जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1, ओके स्टूडेंट्स क्लियर है इतना। तो इस तरीके से जो है हम बेसिकली इस टेबल को बना सकते हैं और इसके फेनोटाइपिक रेशियो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंड जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग है हमको उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि टॉल राउंड शेप में, देन टॉल रिंकल्ड, देन ड्वार्फ राउंड शेप एंड देन ड्वार्फ रिंकल हमको देखने को मिल सकते हैं। इसी के लिए अगर हम एक और तरीके से कोई दो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स या दो ट्रेड्स की बात करें तो इस टाइप से भी हो सकता है। देखिए इस टेबल में दिखाया गया है कि हमने क्या क्या लिए, पेरेंट प्लांट राउंड है और कलर येलो लिए हैं और दूसरा लिए हैं रिंकल्ड एंड द ग्रीन, तो वही चीज है। देखिए वही उसी टाइप से इसको सॉल्व किया गया है, गैमेट्स जो आगे पास हुए हैं जो जीन्स पास हुए हैं बेसिकली वो कौन से हैं, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर है। तो वही F1 जनरेशन में जो भी हमको यहाँ पे बेसिकली ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैपिटल आर डोमिनेंट होगा यानी कि राउंड शेप होगा एंड येलो डोमिनेंट होगा, एंड हर एक बेसिकली ऑफस्प्रिंग में हमको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखने को मिलेगा, एंड उसी के बेस पे अगेन ये स्क्वायर टेबल बनाई गई है। एंड इसमें भी अगर आप देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो को तो वो अगेन आपको सेम मिलने वाला है 9:3:3:1, सो देयर इज नथिंग इज डिफरेंट और एनीथिंग स्पेशल। तो इसी टाइप से आप इसको बना सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।